वेलकम फ्रेंड्स, और आज मैं आपको दिखाऊंगा 4x6 पेपर में आप लोग कैसे प्रिंट कर सकते हो यूजिंग HP प्रिंटर। ठीक है, तो आपको फोटोशॉप में ले जाके आपको दिखाऊंगा किस तरह से आप लोग 4x6 पेपर में कोई भी फोटो को ले पाएंगे। तो उसके लिए ये जो फोटो है इसको आपको 4x6 पेपर में आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। ठीक है, अभी एक नॉर्मल सा एक फ़ोटो ले लिया, इसको दो प्रोसेस से आप लोग कर पाएंगे। पहला वाला जो सिंपल प्रोसेस आपको दिखाता हूँ, इस तरह से आपके सामने फ़ोटो आएंगे। अभी यहाँ पे सेंटर इमेज पर जाके आपको फ़ोटो को एक साइड में लेके आपका जो मनपसंद आपके A4 पेपर में A4x6 पेपर कर पाएंगे इस तरह से। ठीक है, फ़ोटो को जितना चाहे आप लोग छोटा कर सकते हैं, उतना बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद इसको आप लोग फ़ोटो पेपर सेलेक्ट करके इसको प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा वे आपको बताऊँगा किस तरह से करना है। दूसरा वे होता है आपका परफेक्ट वे। ठीक है, उसके लिए आपको यहाँ पर विड्थ दे देना है 3.6, ओके, और हाइट दे देना है आपको 5.5 या 6, ओके। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको कंट्रोल लेकर के पूरा सिलेक्ट करना है, अदरवाइज इस फोटो को एक एक करके आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे फोटो को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ठीक तरह से। अभी यहाँ पे फोटो को थोड़ा सा ट्रैक कर लेता हूँ। ठीक है, अभी हो चुका है। अभी इसका कंट्रोल यहाँ पे आप लोग एंटर कर दीजिए। ठीक है, इंटर करने के बाद आपको स्ट्रोक देना है, पूरा एक सिलेक्ट करना है और स्ट्रोक में जाके यहाँ पे 50 कर देना है। आपको PX और वाइट देके इसको स्ट्रोक दे देना है। हो गया, अभी आपको सिंपली जो करना होगा आपको इस तरह से आप लोग कर पाएंगे, अदरवाइज़ कंट्रोल एन कर लीजिए। ठीक है, एक न्यू सा पेज ले लिया, उसके बाद इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग फ़ोटो को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए। थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है, हाँ, इस तरह से फ़ोटो को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए। उसके बाद कंट्रोल पी कर लीजिए और स्केल टू फिट मीडिया पर आप लोग क्लिक कर लीजिए और प्रिंट ऑप्शन पर जाइए। और यहाँ पे आपका जो प्रिंटर है इसको आपको सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपको फ़ोटो पेपर सिलेक्ट करना है, और बेस्ट और कलर देकर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अभी आपको किस तरह से फ़ोटो को आपको डालना है ये भी दिखा देता हूँ। अभी ये जो HP प्रिंटर है, यहाँ पे आपको राइट कॉर्नर में आपको फ़ोटो को से 4x6 पेपर को इस साइड में आपको रखना है। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे देख सक पा रहे हो यहाँ पे जो फ़ोटो आपका निकल आ रहा है। ठीक है, पूरा स्टेप अप मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से फ़ोटो को प्रिंट करना है और किस तरह के फ़ोटो को कटअप करना है, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या होता है, HP प्रिंटर में आपका जो फ़ोटो पेपर बहुत टाइम जाम हो जाता है, तो उसके लिए आपको फ़ोटो को नीचे की तरफ प्रेस करना है। ठीक है, प्रेस करने से क्या होगा, आपको फ़ोटो बाहर से निकल आएंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, इसको प्रिंट आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अभी आप लोग देख पा रहे हैं फ़ोटो निकल आ रहा है यहाँ से, और फ़ोटो का पिक्चर का क्वालिटी देख लीजिए, बहुत ही अच्छा है। और आप लोग देख पा रहे हैं 4x6 पेपर में इस फ़ोटो को मैंने प्रिंट कर लिया। अभी कैंची से आपको कटअप कर लीजिए इस फ़ोटो को अच्छी तरह से। तो इस तरह से आप लोग HP प्रिंटर में आप लोग कोई भी फ़ोटो को 4x6 पेपर में ला पाएंगे। आई होप आपको पसंद आए, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।